दोस्तों Realme 7 सीरीज को लेकर यूजर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है, क्योंकि Realme 6 सीरीज को लॉन्च हुए काफी दिन हो चुके हैं, जिसके अंदर हमें काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिला था। और यहां पे हमें 20,000 के अंदर ही Realme की तरफ से पहली बार इतना कमाल के फीचर देखने को मिला था। अब दोस्तों Realme 7 सीरीज का भी कुछ लीक्स और रूमर्स आना शुरू हो चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहां पे आपको Realme 6 सीरीज के अकॉर्डिंग Realme 7 सीरीज आपको काफी कमाल के और धमाकेदार फीचर से लेस होगा, जिसके अंदर हमें डुअल 5G का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी सुपर एमोल पैनल दिया जाएगा, जो कि IPS LCD पैनल से काफी अच्छा डिस्प्ले होता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे Realme 7 Pro के बारे में, क्या होगा इसका प्राइसिंग और क्या कुछ हमें Realme की तरफ से इसके अंदर देखने को मिलेगा, और ये भी डिवाइस हमें Realme 6 सीरीज की तरह ही काफी कमाल के फीचर से लेस होगा। तो गाइस, अगर आप Realme 7 Pro के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, और अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ आपको 6.67 इंच का एक बिग डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि फुल HD प्लस से लेस होगा, और साथ ही आपको सुपर एमोलेड पैनल दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको टॉप में डुअल पंच होल भी देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 90% तक कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें गेमिंग को और भी स्मूथ करने के लिए 90Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। अब गाइस, बात करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो ये डिवाइस आपको काफी प्रीमियम ग्लास पैनल के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3D ग्लोसी ग्रेडियन फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें फ्रंट और रियर दोनों तरफ कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इसके कैमरा के बारे में, तो क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको प्राइमरी लेंस 64 MP का दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 MP का टेलीफोटो लेंस और 5 MP का एक डे सेंसर का सपोर्ट मिलेगा। कैमरा फीचर्स की बात करें तो आपको 30x का डिजिटल जूम का सपोर्ट, HDR का सपोर्ट, नाइट एस्केप मोड, अल्ट्रा वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, जहां आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही बात करें इसके फ्रंट के बारे में, तो आपको फ्रंट में भी काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पे प्राइमरी लेंस आपको 20 MP का दिया गया है, वहीं आपको सेकेंडरी लेंस 8 MP का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी हमें वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। तो फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। तो गाइस, जब बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे हमें काफी बिग बैटरी का सपोर्ट मिलेगा, जो कि 5000 mAh का एक बिग बैटरी होगा। साथ में आपको चार्जिंग के लिए Realme का 30W का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, और वहीं हमें चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, साथ ही आपको ऑडियो और म्यूजिक के लिए 3.5 का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। अब गाइस, बात करें इसके मल्टीटास्किंग गेमिंग के बारे में, तो ये डिवाइस आपको इसके मामला में किसी भी तरह का कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन का 765 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बिल्ड है, और इसका क्लॉक स्पीड आपको 2.4 GHz देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपको बेस्ट गेमिंग ग्राफिक्स के लिए एड्रिनो का 620 का GPU देखने को मिलता है। साथ ही ये चिपसेट डुअल 5G मोड को सपोर्ट करता है, और इस प्रोसेसर से आप काफी अच्छे गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस के बारे में बात करें, तो ये डिवाइस आपको एंड्रॉइड 10 से लेस होगा, जो कि Realme के न्यू UI पर बेस्ड होगा। अब गाइस, बात करें इसके स्टोरेज के बारे में, तो ये डिवाइस हमें ट्रिपल ऑप्शन के साथ देखने को मिल सकता है, जो कि 6GB+64GB, 6GB+128GB और इसका टॉप मॉडल 8GB+128GB होगा। और साथ ही ये डिवाइस आपको स्प्लेस प्रूफ देखने को मिलेगा, और वहीं आपको म्यूजिक के लिए डॉल्बी ऑडियो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो गाइस, लास्ट में बात कर लें इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो ये डिवाइस इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च होगा, इसके बारे में भी कुछ खास लीक्स देखने को नहीं मिला है, बट उम्मीद किया जा रहा है कि ये डिवाइस हमें अगस्त के महीने तक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो इसका प्राइसिंग आपको 17-20,000 के आसपास देखने को मिलेगा, और देखा जाए तो 17-20,000 के अंदर Realme की तरफ से ये डिवाइस काफ़ी क्लियर स्मार्टफोन होगा।